जदयू के वरिष्ठ नेता रहे ललन सिंह ने शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद भारत में जदयू गठबंधन के भविष्य को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यह प्रस्ताव नीतीश कुमार की उपस्थिति में पारित किया है, जो भाजपा और इंडिया गठबंधन के संबंध में जदयू के रुख को स्पष्ट करता है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने शुक्रवार को बीजेपी और पीएम मोदी की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार न तो पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं और न ही इंडिया गठबंधन के संयोजक। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि भाजपा के कारण ही देश राजनीतिक और सामाजिक रूप से कठिन दौर से गुजर रहा है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भाजपा सरकार के कृत्यों के कारण समाज में भय, नफरत और उन्माद का माहौल है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि बीजेपी तानाशाही कार्यशैली में विश्वास करती है और इसलिए वे देश के संघीय ढांचे और संवैधानिक संस्थानों को कमजोर कर रही है। पिछले 9 वर्षों में स्थिति भयावह हो गई है। आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की नज़र नहीं है। प्रस्ताव में भाजपा की सनातन विचारधारा पर भी निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि जब दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं तो बीजेपी उसका जवाब सनातन से देती है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि बीजेपी बाबा साहब के बनाए संविधान से छुटकारा पाकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है।